रुक जाओ। रोज मारामारी के लिए तुझे अंदर करता हूँ मैं, लेकिन आज तूने मेरे ही भाई को मारा। छोड़ रहे, अब तू पीटेगा। सुना आपने, पहले ये स्कूल में लफड़ा करता था, उसके बाद कॉलेज में शुरू किया। हम लोगों को लगा ये बचपना है, लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है कि इसने काउंसलर को, मेरे बेटे को, थिएटर के मालिक को, दूध वाले को इतना मारा कि वो मरते मरते बचे। अब आप बताओ इसका क्या करना है। हमें जब भी कोई परेशानी होती है इंस्पेक्टर के पास जाते हैं, आज इसने इंस्पेक्टर को ही मारा, कहने को बचा ही क्या है, हा? अब गाँव में या तो ये रहेगा या हम रहेंगे, अब फैसला कीजिए। अपुन यही रहेगा, तुम लोग फूट लो। मास्टर साहब का क्या कसूर था? आपका बेटा सर्वना स्कूल के बच्चों से बीड़ी सिगरेट मंगाता था, मास्टर साहब ने मना किया तो उन्होंने मास्टर साहब की क्लास ले ली, उसके बाद मास्टर जी को सड़क पे खड़ा कर दिया और हर आने जाने वाले को बोलने लगा कि ये बच्चों को तंग करता है। सबने इन्हें पत्थर मारे और इनका सिर फोड़ दिया, 10 डाके लगे और मोटी फीस अलग। बच्चे स्कूल नहीं जाते वो समझ में आता है, मगर अब टीचर स्कूल ना जाए तो क्या किया जाए। मुझे हर रोज आपके बेटे के बारे में कंप्लेंट्स आती रहती हैं। सिर्फ आपकी वजह से इसे झेल रहा था, इसके बाद अगर इसने कुछ किया तो मैं इसे अरेस्ट कर लूंगा, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। सर आज के बाद ये ऐसा नहीं करेगा। आपको हम सब के सामने वादा करना होगा कि आज के बाद आपका बेटा ना किसी को तंग करेगा और ना ही किसी पे हाथ उठाएगा, और अगर इसने ऐसा किया तो आपके पूरे परिवार को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तू कौन होता है निकालने वाला? तेरे को निकाल डालू क्या यहाँ से? तमीज से बात करो। भाइयों आप प्लीज सब शांत हो जाइए, ये आप सबसे माफी मांगे। ए बापू, ऐसा थर्ड क्लास लोगों से आपन माफी मांगेगा? आप उनको स्टैंडर्ड नहीं गिराने का है, उल्टा ये लोग आपन से माफी मांगना चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या बोला बे काली सुअर? यहाँ बड़ा हीरो बन रहा है, गली के पीछे मिल तब बताता हूँ तुझे। अबे तेरी जात का बेटा मर, ये माँ खाना नहीं बनाया क्या? अब तो आंसू भाई को मारे लिए है। दिल का दौरा जिनको पड़ा है वो लोग को सुबह सुबह गार्डन में वॉक करना चाहिए, ये इधर ही मुंह लटका के बैठे हैं। ए माँ देख बेटा, गलती तूने की, लेकिन तेरे पापा को लोगों की बुरी भली सुननी पड़ी, तेरी वजह से तेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा। अगर इन्हें कुछ भी हो गया तो याद रखना मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। दोबारा ऐसा बोलने का नहीं है, आपुन भी तो बापू को प्यार करता है ना। हाँ तू जो बोल रही है वो 100% सच है। इधर आने के पहले अपन डॉक्टर को मिल के आया, अब ये रोना धोना बंद करा माँ, वरना अपन भी रो डालेगा। ठीक है, ये सब अपन की वजह से हुआ है ना? चल आज से अपन वादा करता है तेरा दिल नहीं दुखाएगा, हा? तेरे सर की कसम रे। अभी तो ये कह रहा है, बाद में देखना ये जरूर बदल जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिन लोगों को इसने मारा है वो कैसे छोड़ देंगे। इसने कोई आम लोगों से झगड़ा मोल नहीं लिया है, इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। हम लोग इसे कुछ दिनों के लिए मुंबई भेज देते हैं, वहां जाकर कुछ काम धाम भी सीख लेगा और अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाएगा। तब तक मैं यहाँ के हालात भी संभाल लूंगा और इसके लिए नौकरी भी ढूंढ लूंगा, उसके बाद ये वापस यहाँ आ सकता है। और अगर इन 2 महीनों में इसने किसी के साथ भी झगड़ा किया या मुझे मुंबई से फोन करके किसी ने यह बताया कि आपका बेटा बिल्कुल भी नहीं सुधरा है, तो मैं कह देता हूं ये मेरा मरा हुआ मुंह देखे। जैसे दूध के बिना दही का अस्तित्व नहीं है, वैसे आपके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारी अंधेरी दुनिया में आप उजाला लाइए। आज की तो क्या रोज की कमाई, आपके नाम आपको सलाम। आपकी फिल्मों की टिकट ब्लैक करके एक दिन आपका मंदिर भी बनाऊंगा।
एक नजर दाएं देखो, एक नजर बाएं देखो, सेंटर देखो, कटरीना नहीं तो कुछ भी नहीं। कटरीना जिंदाबाद। ओके गाइस, अगले हफ्ते अपनी कटरीना की एक और मस्त फिल्म रिलीज हो रही है। बुधवार को उसका कटआउट लेंगे, माला चढ़ाएंगे, आरती करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। आज की महापूजा के बाद जो पैसा बचा है वो मेरे हाथ में रख दे। 7 रुपए 50 पैसे बचे। इतने सारे बचे? इतने पैसे में तो गुप्ता जी 1 लीटर दूध भी नहीं देंगे, तो फिर हम अभिषेक कैसे करेंगे? सारी तैयारियां कैसे हो पाएगी? पैसे का जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा, पैसा खुद चलकर आ रहा है। किधर आ रहा है वो देखो, ये डबल डोर फ्रिज डिश टीवी के साथ इधर ही आ रहा है। अरे सुनो, यह शक्ति कौन है? गुरु, ये कपूर टाइप का आदमी शक्ति को पैसा देने आया है। आप बोलो कि आप ही शक्ति हो और सारा पैसा ले लो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। गुड आइडिया। जेंटलमैन, मैं ही हूँ शक्ति, मुझे पैसे दो। जेब में नहीं, मेरे हाथ में। साले, तूने लव लेटर दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी घरवाली को देते तो बुरा नहीं लगता, साले मेरी गर्लफ्रेंड को दिया। साले पुलिस इंस्पेक्टर से पंगा लेता है, रास्कल। अगली बार दिखा तो राशन कार्ड से नाम निकलवा दूंगा। गले में कुछ आया। गुरुजी, हंस रहे हो या रो रहे हो? लगता है हमें सच में किसी की बुरी नजर लग गई। देखो ना क्या हो गया। नारियल तोड़ते ही बुरी नजर उतर गई। गुरु घंटी बज रही है। अभी बजा के गया। अरे मैं फोन की बात कर रहा हूँ। हेलो गुरु, एक इंस्पेक्टर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा, उसको मत बोलना कि आपका नाम शक्ति है। तो क्या हुआ? नहीं तो आपकी धुलाई हो जाएगी। आज सुबह मैंने उस इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड को लव लेटर दिया था। अबे करे कोई और, मारे कोई और। गुरु गुरु, दीपिका के पंडरों ने कटरीना के सारे पोस्टर्स पर गाय का ताजा ताजा गोबर लगा दिया। वो चीना बहुत गुस्से में आ रहा था। सुनो बे, हथियार तैयार रखो। पहले क्यों नहीं बताया कि पोस्टर बिगाड़ने वाले बॉडी बिल्डर है? बोलता तो आप आते नहीं। मुझे लगा सनी जियोनी वाले ढीले होंगे हमारे जैसे, लेकिन ये तो तगड़े मुश्तंगे। घबराओ मत गुरु, हम इसे पटक पटक कर मारेंगे। फिलहाल अपनी औकात इनको किक या पंच मारने की नहीं है, इसलिए सिर्फ धांसू पंच डायलॉग मार के निकल जाते हैं। पंच वो मारते हैं जिनमें दम हो, वो नहीं जो फुसकी बम हो। यहाँ से निकलने में ही भलाई है गुरु, जरा उनके साइज तो देखो। इन टेढ़े मेढ़े येड़ों को हूल देके निकल जाते हैं, वरना ये हमें धूल में मिला देंगे। जो बोलना है जल्दी बोलो, धूप में काला हो रहा हूँ, फेयरनेस क्रीम के पैसे वेस्ट हो रहे हैं। कटरीना के पोस्टर पर गोबर फेंकने की हिम्मत किसने की? हाँ, हमने फेंका, क्या कर लेगा तू? बॉस, ये लोग हद से ज्यादा बेइज्जत कर रहे हैं। पॉइंट पे आ, लगता है हमें दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। हाँ तो भागने के लिए तैयार हो जाओ। अब इस सिचुएशन में देखो तुम्हारा गुरु कैसे शुरू होता है। आप शुरू हो जाओ गुरु। ए काले कल्लूटे, जब तूने कटरीना के पोस्टर पर गोबर फेंका तब मैं वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए इस बार करता हूँ मैं माफ, अगली बार तेरा रास्ता करूंगा साफ। आपको बुलाया, अंगूठा क्या दिखा रहा है? फेस टू फेस बात करो ना। हमने कटरीना के पोस्टर पे गोबर फेंका इसलिए तो यहाँ पर आया, अब तेरे पे फेंका, बोल क्या करेगा? बॉस, गाय और भैंस दोनों का मिक्स गोबर है, ये तो कॉकटेल मार रहे हैं, भाग लो यहाँ से। अगर हम भागे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, इसलिए हम उनको गोबर फेंकने देते हैं, बाद में थैंक यू बोलेंगे। आपको चलना है तो चलो, मैं तो जा रहा हूँ। गोबर से मुंह धोने से गोरे होते हैं। ए चलो फेंको, मुंह पे मारो। अरे क्या कर रहे गुरु, कभी नाश्ता पानी तो खिलाते नहीं हो, आज गोबर क्यों खिला रहे हो, कुछ करो ना यार। पता है दादा, जब भी आप उन इस पे अटैक करते हैं ये सफेद झंडा दिखा देता है, आज इसका डंडा ही तोड़ देते हैं। चला तेरा। इस सफेद झंडे से उन पर कोई असर नहीं हो रहा, मैं तो कहता हूँ यहाँ से निकल लो गुरु। अब ये सांड मेरे सामने क्यों आ रहा है? ए तुम लोग यहाँ गरबा खेलोगे क्या? क्या तुम्हें गैंग वॉर के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं है क्या? मैं डंडा पर रुमाल लगा के झंडा बना के लाया, सोचा सफेद झंडा देखकर रुक जाओगे, लेकिन तुम तो आ गए। हाँ तो लड़, लड़ाई झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं होता, तुम सब तो और करीब आ रहे हो। मुझे मारना मत वरना तुम्हें तो बुलाऊंगा। पता नहीं
कब सुधरेगा? ओए, बचपन में तूने सिल्क स्मिता फैन क्लब बनाया था, जिसके बाद तूने हर लड़की को छेड़ा और सैंडल से मार खाई। और जब तुम स्कूल गए वहाँ पर काम वाली बाई को भी नहीं छोड़ा तुमने, सैंडल की जगह झाड़ू से मार खाई। और अब इन्होंने कैटरीना फैन क्लब बनवा के चेहरे पे गोबर पुतवा लिया है। छी 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 छी, अब तो शर्म करो, देखो इन्हें शक्ल नहीं अकल नहीं, ऐसे ही चलता रहा ना तो ये हमारा नाम भी गोबर में मिला देंगे। ए डैडी, चिल्लाने से पहले आप अपना फर्ज तो निभाते, आप गब्बर की तरह गोबर पर कमेंट ठोक रहे हो। तो और क्या करूं? बचपन में मैं एक लड़के के बाप से भिड़ गया था क्योंकि उसने तुझे मारा था, हालांकि वो पहलवान था। उस दिन उसने मुझे कितना धोया और तू एक फिल्म की टिकट ब्लैक करने निकल गया। तेरी वजह से मुझे शर्म से पानी पानी होना पड़ा। चिल्लू भर पानी में डूब जाते तो पूरे पानी हो जाते। चुप कर नालायक कहीं का। भाई साहब, मैंने इसका नाम अपने बाप के नाम पर रखा था लेकिन इसने अपना नाम गोबर में मिला दिया। आज का फैशन आप नहीं समझेंगे। एक बात बता बेटा, तू मेरा ही बेटा है ना? इस बात को लेकर मुझे भी आप पर डाउट है डैडी। अबे तू कभी नहीं सुधर सकता, इस जन्म में क्या 100 जन्म में भी नहीं सुधर सकता।